वो धर्म का इतना बड़ा ताला लगा हुआ कि वो ये भी सोच नहीं पा रही है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। एक पुरुष खुली सभा में उनको लात मारा है, उनके बाल पकड़ के घुमा रहा है, उनको भभूति लगाकर उनके गाल पे थप्पड़ी थप्पड़ बजा रहा है। आखिर ये कैसा धर्म है और ये कौन सा धर्म है? और फिर लोग कहते हैं कि नीलम जी आप हिंदू धर्म पर कटाक्ष करती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, हाथरस की घटना को बीते हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर आज भी हाथरस की घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। और चर्चाएं जिस तरह से हो रही है, आप सभी आकलन कर रहे हैं, कई धड़ इसमें बन गए हैं। कुछ लोग उसको जातिवादी मानसिकता से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भोले बाबा है उसने सनातन धर्म का अपमान किया है, वो ब्राह्मण नहीं है, वेद उसको ये अधिकार नहीं देते कि वो सत्संग करे, या इस तरह का प्रकरण भी हमें देखने को सुनने को मिल रहा है। और तमाम बड़े बड़े कथावाचक, चाहे उसमें धीरेन्द्र शास्त्री हो या देवकी नंदन ठाकुर हो या अन्य कोई भी कथावाचक हो, उन लोगों की तरफ से भी कई तरह की स्टेटमेंट आ रही हैं। और खासकर जिस तरह से भोले बाबा जो सत्संग कर रहे थे हाथरस में, उनको कहीं ना कहीं एक जाति का टैग लगाकर देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुछ बौद्ध भिक्कों की भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो भी खुले तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये भोले बाबा नहीं है तो चमार है, चमार जाति से है, जिसमें कि अगर वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग देखे तो बाबा साहब ने जो चार वर्ण व्यवस्था की बात करी, जिसमें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उस भोले बाबा को यहाँ तक संज्ञा दे दी कि ये तो शूद्र में भी नहीं आता, मतलब अति शूद्र है। तो आप समझ सकते हैं कि बार बार किसी भी व्यक्ति की जाति को लेकर टारगेट करना कितना उचित है या नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। खैर, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगी। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र भाषा का हो, उसकी परिभाषा अगर वो अपराधी है तो वो अपराधी ही कहा जाएगा। वहाँ पर कोई चमार या ठाकुर या ब्राह्मण इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से मूर्खता है। लेकिन साथियों, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जो अंधभक्ति का चश्मा है वो अब भी खासकर महिलाओं की नज़रों से नहीं हट रहा है। जिस तरह से तमाम पत्रकार जाकर जहां पर घटना घटी, आसपास के गांव के लोग हैं या जो महिलाएं उस सत्संग में उपस्थित थी, जिन महिलाओं के घर से या जिन परिवार के घर से कोई ना कोई व्यक्ति उस सत्संग में मारा गया उस दिन हादसे में, उनसे जब चर्चाएं कर रहे थे, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें कि महिलाएं ये कहती नजर आई कि मैं भी मर जाती तो बहुत अच्छा होता, कम से कम मुझे ये संतुष्टि होती कि मैं भोले बाबा को समर्पित हो गई और मेरी बलि है वो उनके चरणों में चढ़ गई। तो महिलाओं को कितना मानसिक गुलाम इस तरह के बाबाओं ने बना दिया है। और साथ ही ये पहली घटना भारत देश में नहीं है कि भोले बाबा के ही सत्संग में इस तरह का प्रकरण हुआ। उससे पहले आपने धीरेन्द्र शास्त्री की जो कथा चल रही थी उसमें भी कई प्रकरण देखे कि दो चार दिन में 21-22 लड़कियों का अपहरण हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता, मतलब रातों रात लड़कियां गायब हो जाती है। लेकिन तब ये गोदी मीडिया तब मुँह फाड़ कर नहीं बोलती कि एक जो ब्राह्मण है, जो कथावाचक है, जो कम उम्र का है, उसके वहाँ से लड़कियाँ गायब हो रही हैं। लेकिन जातीय जो दंश है वो हम देखते हैं कि भारत देश में बहुत बड़े समय से चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है। और आज भी जिस तरह से हाथरस की घटना है उसको जाति के आधार पर ही मतलब एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आई, कैसे आई, कैसे नहीं आई। लेकिन साथियों, यहाँ पर अगर मैं चर्चा करना चाहूँ और मंथन करना चाहूँ, क्योंकि तमाम बुद्धिजीवी लोग भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि महिलाएँ अंधभक्ति में इतनी लीन है, पाखंडवाद रूढ़ीवादी जैसी परंपराओं को अपने घर में लेकर आती हैं और अपने पुरुषों की कीमती कमाई को बाबाओं को देकर आने का काम करती है, जिससे कि ये बाबा लोग गलत काम करते हैं और इतने बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं, इतने बड़े बड़े भव्य महल बना लेते हैं, इतनी लग्जरियस गाड़ी इनके पास होती हैं, सौ सौ नौकर चाकर इनके पास में होती है और अथाह संपत्ति इनके पास में इकट्ठी हो जाती है, जिससे कि ये अनैतिक कार्य करते हैं। लेकिन उन तमाम बुद्धिजीवी लोगों से मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि आप अपने आप को अगर बुद्धिजीवी कह रहे हैं, अपने आप को
बहुजन नेता कह रहे हैं, अपने आप को बहुजन मिशन मूवमेंट का योद्धा कह रहे हैं, तो आप आखिर कर क्या रहे हैं? जिस तरह से भोले बाबा का जो इतिहास बताया जा रहा है कि पिछले 15-20 साल से वो लगातार इस तरह से सत्संग कर रहे थे और थोड़े थोड़े करके उन्होंने इतना बड़ा जनसैलाब इकट्ठा कर लिया कि बड़े बड़े राजनेता उनके सत्संग में पहुंच गए। और आप समझ जानते हैं कि कोई भी राजनेता जब किसी के सत्संग में जा रहा है तो स्पष्ट उसका उद्देश्य है कि उसको वहां से वोट लेना है। लेकिन यहां पर तमाम बुद्धिजीवी लोग क्या कर रहे थे? हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तमाम बहुजन समाज के लोग हैं या तमाम बौद्ध भिक्खु हैं जो चीवर डालकर घूमते रहते हैं, आखिर वो लोग क्या करें? क्या वो लोग सिर्फ ताली बजाने का काम करते हैं या हाथ पर हाथ रखने का काम करते हैं या चीवर पहनकर सिर्फ खाली बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करने का काम करते हैं, या फिर जो लोग बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं अपने आप को चिंतन समाज का हितैषी कहते हैं, आखिर वो लोग क्या करते हैं? साथियों, दूसरों को दोष देने से पहले एक बार हमें अपने गलेवान में भी झांक लेना चाहिए। अगर एक उंगली हमारी सामने की तरफ उठती है तो चार उंगली हमारी खुद की तरफ भी उठनी चाहिए कि आखिर हम कैसा मिशन मूवमेंट फैला रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं कि आज तक हम अपने समाज की बहन बेटियों को पाखंडवाद रूढ़िवाद से नहीं निकल पाए। मैंने खुद देखा है, जब मैं मंचों पर जाती हूं, जब मैं भाषण देती हूं, जब मैं महिलाओं को पाखंडवाद रूढ़िवाद से बाहर निकलने के लिए आग्रह करती हूं, तो वहां पर पुरुष भी और महिलाएं भी बड़े स्तर पर मेरा विरोध करती हैं। कार्यक्रम में तो नहीं होता, कार्यक्रम में तो तालियां बज जाती हैं, लोग प्रोत्साहित करते हैं और बोलते हैं कि बहन जी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हो और इनसे बदलाव आएगा। लेकिन साथियों, क्या खाली साल में एक दो कार्यक्रम करके आप पूरे साल हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ? क्या ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो एससी एसटी माइनॉरिटी समाज से आने वाली महिलाएं हैं उनको हम पाखंडवाद से बाहर निकाल सकते हैं? कदापि नहीं निकाल सकते। अगर उन्हें निकालना है तो साथियों आपको लगातार काम करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि साल में एक दो कार्यक्रम करें और फिर आप घर में बैठ गए। अभी तमाम सोशल मीडिया पर आपने वायरल वीडियो देखी होंगी होती हुई, किस तरह से मतलब आज भी चाहे महिलाओं को लताड़ा जाए, उन्हें थप्पड़ मारे जाए, उन्हें लाठी मारे जाए, फिर उन्हें चाबुक से मारा जाए, फिर भी महिलाओं की बुद्धि पर अंधविश्वास का इतना ताला लगा हुआ, धर्म का इतना बड़ा ताला लगा हुआ कि वो ये भी सोच नहीं पा रही है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। एक पुरुष खुली सभा में उनको लात मारा है, उनके बाल पकड़ के घुमा रहा है, उनको भभूति लगाकर उनके गाल पे थप्पड़ ही थप्पड़ बजा रहा है, आखिर ये कैसा धर्म है और ये कौन सा धर्म है? और फिर लोग कहते हैं कि नीलम जी आप हिंदू धर्म पर कटाक्ष करती है। साथ में कुछ वीडियो आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, आप खुद आकलन कीजिए कि ये कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं और ये कौन सी संस्कृति को फैलाने वाले लोग हैं जो इस तरह से खुलेआम महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और साथियों, बहुत सारी वीडियो हैं सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती है, लेकिन फिर भी विडंबना है कि देश के लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। और जो लोग कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बड़े बड़े भाषण देते हैं, मिस्टर मूवमेंट की बातें करते हैं, उनके घर में भी हमें दोगलापन देखने को मिलता है, क्योंकि पुरुष मंच पर भाषण दे रहे हैं लेकिन महिला वही कर्मकांड पूजा पाठ में उलझी हुई है। तो बताइए हम कैसे परम पूज्य बाबा साहब की उस संस्कृति को स्थापित कर पाएंगे जिस संस्कृति की परम पूज्य बाबा साहब ने बात करी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से 1935 में परम पूज्य बाबा साहब ने एवला की धरती से घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने समाज के लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि जो धर्म आपको अपमानित करता है, जो धर्म आपको छोटा बताता है, जो धर्म आपके साथ में भेदभाव करता है, जो धर्म आपके घर की महिलाओं को तुच्छ नीच बताता है, पुरुषों के अधीन रहने के लिए विवश करता है, ऐसे धर्म से आपको जल्द से जल्द निजात पा लेनी चाहिए और आपको महाकाणिक तथा गत बुद्ध के उस धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए जो मानव को मानव होने पर गर्व कराता है और महसूस कराता है कि किस तरह से हमें करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए एक माला में पिरोकर सबको एक साथ चलना है और इस देश में मानवता को सबसे पहले स्थापित करना है। लेकिन साथियों, आज हम देख रहे हैं कि तमाम डेरे खुले हैं, तमाम कथावाचकों ने अपने अपने पांडा लगाए हुए हैं, आखिर देश में चल क्या रहा है? हर कोई कहीं ना कहीं धर्म का चश्मा ओढ़े हुए है और कार्ल मार्क्स ने तो साथियों यहां तक कह दिया था कि धर्म अफीम है, लेकिन बाबा साहब ने धर्म को अनुशासित रहने का एक मापदंड और एक अनोखा मूल मंत्र भी बताया, जिस तरह से उन्होंने भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए इस पूरे भारत को एक ऐसा वैज्ञानिक धर्म दिया जिसको अगर व्यक्ति धारण करे तो वो सर्वश्रेष्ठ
प्राणी के रूप में यहाँ पर स्थापित हो सकता है, लेकिन विडंबना है कि आज भी कहीं ना कहीं धर्म के ठेकेदार लोग या जो राजनीति में पल रहे नेता हैं, जो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगों को अंधकार में धकेलते हैं और रूढ़िवादी परंपराओं में धकेल कर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। और खासकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी अगर मैं जिक्र करूँ तो सबसे बड़ी भूमिका सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि भारत का संविधान देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट स्थापित करने की बात करता है कि भारत में वैज्ञानिक सोच पैदा हो और लोग विज्ञान के आधार पर अपने जीवन को जिए। लेकिन विडंबना है कि लोग विज्ञान की धज्जियां उड़ाते हुए किस तरह से अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरह से पाखंडवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये तमाम वीडियो साथियों आप देखिए और आकलन कीजिए कि आज देश में आखिर क्या घट रहा है और क्या कारण है कि आज भी भारत देश की महिलाएं, चाहे वो किसी भी धर्म, क्षेत्र, भाषा की हैं, वो इतने बड़े स्तर पर पाखंडवाद की गिरफ्त में जकड़ी हुई है। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।